अपने घर के अंदर माता पिता पति पत्नी बच्चे और बड़े बुजुर्गों के बीच मानसिक तनाव को दूर करने के लिए हवन का अनुष्ठान हमको करना चाहिए। और आज मैं बताने वाला हूँ कि हवन के बारे में, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हवन करने से हमारे घर के अंदर जो आपसी जो लड़ाई झगड़े होते हैं, जो छोटी छोटी बातों के ऊपर हमारे घर के अंदर जो तनाव और जो मनमुटाव हो जाते हैं और लड़ाई झगड़े इतने होते हैं यहाँ तक कि लोग मारने तक को उसको मतलब कि शरीर के घात करने तक का नुकसान करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं, तो यज्ञ करने से हमारे मस्तिष्क के ऊपर सात्विक गुण बढ़ जाते हैं, उनकी सत्व गुण बढ़ जाता है। उसके अंदर जैसे ही गायत्री मंत्र या किसी वेदों के अन्य मंत्रों के माध्यम से यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं तो उसका हमारे मन के ऊपर जो सुप्रभाव पड़ता है उससे हमारे माइंड की जो प्रोसेस होता है यानी कि हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। जब तक हम यज्ञ में 1 घंटे के लिए बैठते हैं, 1/2 घंटे के लिए बैठते हैं, तब तक हमारे मस्तिष्क के अंदर सुविचारों की एक प्रकार से जो तरंगे होती है, एक प्रकार से जो लहर होती है, एक प्रकार से जो हमारा मतलब कि साइकिल होता है, यानी कि हमारा जो चित्त है यानी कि हमारा जो मन है वो दो तरह से बहता है, कि एक तो नेगेटिव वे में बहता है, एक पॉजिटिव वे में बहता है। तो यज्ञ करते समय हमारा जो मन है वो पॉजिटिव वे में बहने लगता है, और कितने ही हिंसक व्यक्ति हो और कितना ही क्रूर से क्रूर व्यक्ति हो, अगर आप उसको यज्ञ की अग्नि के समीप बैठा दोगे, यानी कि पहली बात तो अगर कोई दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति होगा तो हमारा मन नहीं लगेगा, अगर वहां पर उसका मन लग गया तो वो दुष्ट हो जाएगा। दो बातें मैंने कह दी, अगर वो वहां पर रहा तो उसका जो दुष्ट स्वभाव लड़ाई झगड़ा करने का, तो क्या कहता है ये जो अग्नि होती है ना, इसके गुण होता है शुद्ध करने का, पवित्र करने का। तो मेरा तो यही मतलब कि एक्सपीरियंस अभी तक रहा है कि यज्ञ करने से हमारे घर के अंदर ही नहीं बल्कि आसपास लड़ाई झगड़ों का बिल्कुल ही समापन हो जाता है। मूलतः है यज्ञ हमारे जितने भी मानसिक क्लेश है उनको ही दूर कर देता है, वात पित्त कफ को सम करने का वो प्रयास कर देता है, यानी कि कोशिश ही करता है या फिर कर ही देता है, या फिर सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण इन तीनों गुणों को समावस्था में लाने के लिए हमारे शरीर के ऊपर ऐसा प्रभाव डालता है कि वो तीनों ही समावस्था के अंदर आ जाते हैं और हमारे जो मन के अंदर जो एक ऐसा प्रभाव होता है वृत्तियों का वो खुल जाता है। तो यज्ञ करने से हमारे घर के अंदर आसपास जहाँ भी यज्ञ होगा वहाँ एक प्रकार की शांति ही स्वतः ही विकसित हो जाएगी, क्योंकि यज्ञ में जो भी मंत्र है, चाहे वो ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना है, चाहे वो आचमन के मंत्र है, चाहे वो प्रातःकालीन अग्निहोत्र के मंत्र है, या फिर कोई वो शांति प्रार्थना या वैदिक राष्ट्रीय प्रार्थना है, जितने भी यज्ञ के अंदर जो ऋषि उनको कहा जाता है जो साक्षात कृत धर्मा थे, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर उस सत्य को जान लिया था, महसूस कर लिया था, उनको ही ऋषि कहा जाता था। और वो अपने जीवन के अंदर जिन चीजों को महसूस करते थे, जिन चीजों को जानते थे, वो हम तक सामान्य रूप से पहुंचाई है उन्होंने यज्ञ के माध्यम से। इसलिए पहले समय के अंदर हर घर के अंदर यज्ञ आदि हुआ करते थे, इसलिए इतना मांस आदि मदिरा ये जो मतलब जितने भी कुकर्म हो, जितने भी उल्टे कार्य है, वो पहले इतने नहीं किए जाते थे जितने कि आज के समय में इनका बढ़ रहा है। और दुख की देखो कोई सीमा ही नहीं रही, हर घर के अंदर जाओ कोई ना कोई उसको रोग घेरे मिलेगा, हर घर के अंदर कोई ना कोई उसको दुख मिलेगा, हर घर के अंदर कोई ना कोई या तो उसके या तो पति पत्नी के बस में नहीं, पति पत्नी के बस में नहीं, मतलब कि ना बच्चे पापा की मानते हैं ना मम्मी की मानते हैं, किसी का भी मतलब कोई किसी की मानने के लिए स्वीकार नहीं है, किसी का सम्मान किसी का अपमान, मतलब कुछ कुछ ऐसी अनहोनियाँ हमारे घर के अंदर होती रहती है। तो मैं आपको पूरा ही एक्सपेरिमेंट करके इस चीज़ को पूरा अपने जीवन के ऊपर और जहाँ भी यज्ञ होता है वहाँ पर अनुभव करके मैं इस बात को इस वीडियो को बना रहा हूँ, और कह भी सकता हूँ कि जहाँ यज्ञ होगा वहाँ लड़ाई झगड़े का कोई विस्तार नहीं, जहाँ गायत्री मंत्र होगा वहाँ लड़ाई झगड़ा हो ही नहीं सकता, सूदी बात है। क्योंकि ये जो यज्ञ होता है हमारे शरीर की चंचलता को खत्म कर देता है उस क्षण के लिए, अगर हम 1 घंटे के लिए यज्ञ में बैठे तो हमारे शरीर के अंदर चंचलता नहीं रह सकती, क्योंकि अग्नि का एक ऐसा प्रभाव होता है जो हम हविर द्रव्य यानी कि जो भी हम हवन कुंड के अंदर जो भी औषधियाँ जो भी चीज़ें डाली जाती है वो तीनों ही गुणों को शांत करने के लिए, 4 प्रकार के वैसे तो द्रव्य डाले जाते हैं आयुर्वेद के हिसाब से, लेकिन अगर हम मान लीजिए हमारे पास कोई द्रव्य ना भी हो, अगर हमारे पास मान लीजिए सामान्य रूप से घृत हो, तेल हो, तेल का तेल हो, कोई भी ऐसा द्रव्य जिसके दहन करने से प्रदूषण नहीं होता हो, तो उससे हम यज्ञ करा सकते हैं। और देखो कितनी ही बात हमारे समाज के अंदर कही जाती है और बोली जाती है कि भाई देखो इस चीज़ को आजकल तो मतलब कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि भाई ये चीज़ इसका तो कोई विधान नहीं होना चाहिए, कोई देवी देवता को पूजन आती, मतलब कुछ उल्टी चीज़ें को सोच करके करते हैं, लेकिन भाई मेरा मानना ये है अगर आप अपने घर के अंदर प्रतिदिन नहीं कम से कम हफ्ते में या 15-20 दिन में या फिर महीने में 1-2 बार भी अगर यज्ञ का अनुष्ठान करोगे तो काफ़ी हद तक आपके घर के अंदर जो मनमोटाव है, लड़ाई झगड़े वो खत्म हो जाएंगे। और धीरे धीरे करके यज्ञ क्या करता है, जितने भी हमारे दुर्गुण हैं, जितने भी हमारे दोष हैं, आहुति के रूप में उनको ग्रहण कर लेता है। आहुति डाली ही क्यों जाती है, आहुति इसलिए तो डाली जाती है ताकि हमारा चित्त शुद्ध हो और हमारा मन शुद्ध हो और हम जो काम करने के लिए धरती के ऊपर उपस्थित है वो हमारे कार्य पूर्ण हो, यानी कि हम अपने घर के अंदर सुख चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं किसी भी प्रकार का। देखो सबसे बड़ा सुख शास्त्रों में और हमारी भागवत गीता में तो सात्विक सुख कहा है,
लेकिन सात्विक सुख कब मिलेगा हमको, उससे बड़ा तो कोई सुख होता नहीं है और इससे बढ़कर के कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। हम एक यजनी के माध्यम से, यानी कि एक यजन के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से हम अपने देवों को, हम अपने अग्नि जलवायु पृथ्वी आकाश को प्रसन्न करके अपने जीवन की जो समस्या है, अपने जीवन का जो प्रॉब्लम्स है, उनको हटा सकते हैं। देखो, आप किसी को समझाने के लिए जाओगे, मान लीजिए हमारा किसी के साथ मन मोटा हुआ, आप उसको समझाओ, उसको समझाने में वो आपकी बात को क्या पता माने या ना माने, कोई गारंटी हो नहीं सकती। लेकिन आप यजन करोगे, आपके मस्तिष्क के अंदर ही ऐसा विचार आ जाएगा कि आप उस समस्या से स्वयं ही निपट लोगे। गायत्री मंत्र से कर लो, आप जो आपको यज्ञ के मंत्र नहीं आते तो आप कोई भी मतलब ऐसा मंत्र जो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम तुष्टि वरदन उर्वारुकमे वंदना मृत्युर्मोक्ष्य मामृतम, इस महामृत्युंजय मंत्र से कर सकते हो। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवेश्य धीमहि प्रचोदयात्। इसके माध्यम से भी आप यजन कर सकते हैं। और जो भी मंत्र आपके अभीष्ट है, यानी कि आपने वेदों में कुछ पढ़ रखे हैं, जो यज्ञ के मंत्र आप थोड़ा बहुत, आप सत्यार्थ प्रकाश है, कोई यज्ञ के बारे में जो साधक साधना पाते हैं, कुछ बहुत सारी ऐसी पुस्तक है जिसमें यज्ञ की विधि, और यूट्यूब तो बहुत बड़ा साधना के समय में बन ही चुका है, इसके माध्यम से हम भी बहुत सारी वीडियो अपलोड करते ही रहते। तो हमारे जीवन के अंदर हमको यज्ञ की अगर कहीं से विधि देखनी तो यूट्यूब के माध्यम से देख लो। लेकिन भाई देखो, अगर हम मान लीजिए ये कहे कि भाई गुड़ मीठा होता है, सबको पता है गुड़ मीठा होता है, लेकिन खाने के बाद ही तो पता लगता है, इसलिए हम भाई ये कहते हैं कि यज्ञ से ये वाला फायदा हो जाता है। भाई होता है, हमने तो अपने जीवन में महसूस किया, इसलिए तो हम खुल करके बोलते हैं, इसलिए तो बोलते नहीं, झूठी बातों के ऊपर आप कब तक विश्वास करोगे। अब इसमें ना हमको कोई व्यू बटोरने की जरूरत है, वो आएंगे तो अपने आप ही आ जाएंगे। इसमें तो सिर्फ बात जो सत्य है वो एक मतलब धार्मिक काम है और सत्य है, इसको बताने की ही जरूरत है, क्योंकि जितना हमारे आसपास यजन होगा उतनी आपके चारों तरफ शांति ही शांति होगी, क्योंकि यजन के अंदर शांति करणम के मंत्र कहे जाते हैं। इसलिए हमारे घर के क्लेशों को शांत करने के लिए मेरा तो कहना यही है, हफ्ता में प्रतिदिन जब, अगर भाई देखा आपके घर के अंदर मान लीजिए करोड़ों का सामर्थ्य है, यानी कि आपके पास बहुत पैसे की कोई कमी नहीं है, तो किसी को लगा लो, यजन अगर आप अपने घर के अंदर करोगे तो जो सुख आपको पैसे से प्राप्त नहीं होगा ना, वो सुख आपको स्वतः ही प्रकृति के द्वारा प्रदान किया जाएगा, देवों के द्वारा प्रदान किया जाएगा। देव यहाँ पर कोई मतलब देव कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई जादुई चीज, देव मतलब जो अग्नि है, जो जल है, जो पृथ्वी है, जो वायु है, इस बात को हर वीडियो में बना करके इसलिए बोल देता हूँ, क्योंकि देव समझते किसी और चीज़ को है। अब वैसे तो वेदों में इंद्रियों को भी देव कहा जाता है, लेकिन ये कोई मतलब कि कोई सामान्य घटना नहीं है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि यज्ञ करने से हमारे जितने भी स्वर्गों काम हम यज्ञ, तो हमारे क्लेश भी दूर हो जाते हैं, हमको सुख भी प्राप्त होता है और हमारे घर के अंदर से लड़ाई झगड़े का समाधान हो ही जाता है धीरे धीरे करके। अगर आप यजन करोगे तो आप इसका जो बेनिफिट है ना, स्वयं अपने ऊपर अनुभव करोगे, और अनुभव अगर आप हो तो देखो, आप एक छोटा सा कमेंट हमारे इस वीडियो के नीचे जरूर करना कि अगर आपको अनुभव हो तो। लेकिन भाई हमको तो है अनुभव, क्योंकि हम तो काफ़ी समय से इसके ऊपर शोध रिसर्च मतलब करके देख रहे, चीज़ों के बारे में ज्ञान तो हो ही जाता है। इसलिए निवेदन यही है कि अगर चाहते हो कि अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा भाई जो जीवन है ऐसे ही लड़ाई झगड़े में, एक दूसरे की निंदा करने में, एक दूसरे की चुगली करने में, एक दूसरे के साथ बहसबाजी करने में ही बीते, तो फिर आपकी मर्जी है। फिर या फिर जो किसी अच्छी बात को स्वीकार करेगा वो तो ऐसा नहीं करेगा, बाकी तो संसार के अंदर बहुत सारे काम वैसे ही होते रहते हैं। बट हमारा भी यही मोटिव था कि कम से कम किसी ना किसी प्रकार से कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आपको बताई जाए, जो आपके जीवन के अंदर काम आएगी। और मैंने सोचा कि भाई वीडियो बना करके प्रेजेंट कर देता हूँ, तो बिल्कुल 100% नहीं तो कम से कम 90-80-70% भी अगर आपके घर का मान लीजिए लड़ाई झगड़ा है, अगर वो समाप्त हो जाता है तो इसमें बुराई क्या है? जिस चीज़ से आप इतने दिन से परेशान हो रहे हैं, अगर वो आपकी समाप्त हो रही है तो इसमें बुराई क्या है? तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है ना। अगर अपने घर के अंदर, अपने अपने जहन के अंदर, अपने शरीर के अंदर, अपने मन के अंदर अगर आप शांति का विस्तार चाहते हो, जो किसी आपको पैसे से प्राप्त नहीं हो सकती, किसी संसाधन से प्राप्त नहीं हो सकती, कोई बढ़िया से बढ़िया खाना प्राप्त, वो जो आंतरिक जो शांति है उसकी हम बात करते हैं, बाहर का लगेगा ऐसा, लेकिन आंतरिक शांति तो आपको ध्यान, यजन, योग, प्राणायाम इन आदि से ही प्राप्त होगी। तो मेरा जो बस कहने का अभिप्राय यही था कि लड़ाई झगड़े बिल्कुल ही समाप्त हो जाते हैं, मैंने तो खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा है और हम कर ही रहे हैं प्रतिदिन, तो प्रतिदिन यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। जब भी आपको समय मिले तो यजन पूजन जो भी हम अपने धार्मिक कृत्य है उनको न छोड़े और अपने जीवन के अंदर इनका पालन करें। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मैं मतलब वाणी को विराम देते हुए कहता हूँ, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, यानी कि अच्छी लगती है, आपको कुछ जानकारी मिलती है, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और आगे जरूर शेयर करना यज्ञ के बारे में, क्योंकि इसका अनुष्ठान कम हो चुका है, पहले बहुत ज़्यादा, तो इसका प्रचार करने के लिए मुझे वीडियो शूट करनी ही पड़ती है कुछ हमारे पर्सनल कार्यों के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।